Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Charanjit Kaur. Today we are going to study chaperones and their role in protein folding. So guys, chaperon का मतलब क्या होता है, वहाँ से शुरू करते हैं. देखिए, ऐसा था कि जब पहले पुराने ज़माने में जब भी कोई यंग गर्ल, कोई लड़की जाती थी, तो उसके साथ कोई एक कोई मेच्योर लेडी, कोई बड़ी औरत जाया करती थी टू प्रोटेक्ट हर, राइट, कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लाइक दैट. तो उनको शैपरन बोला जाता था. सो वही चीज़, ऐसी प्रोटीन जो हमारी किसी प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, कहीं गलती से उनकी मिस फोल्डिंग ना हो जाए, तो उसको सही करने के लिए या सही फोल्डिंग करने के लिए जो प्रोटीन्स यूज होती हैं, उनको हम एक्चुअली शैपरन बोलते हैं. क्या होते हैं शैपरन, देखिए, ये एक शैपरन प्रोटीन का एक मॉडल है. यू कैन सी दिस साइट हियर, ओवर हियर. ये जो साइट है, ये हाइड्रोफोबिक स्ट्राइप्स है, यानी कि यहाँ पर ऐसी रीजंस हैं जो कि प्रोटीन के लगभग 5 से लेके 7 अमाइनो एसिड को ऐड कर सकते हैं. ये 5 to 7 अमाइनो एसिड इन जनरल हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं. हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड मतलब कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है. नॉन पोलर अमाइनो एसिड इन जनरल, अगर ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं और ये एक्सपोज्ड हैं, यानी बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्लियर इशारा करता है कि प्रोटीन इज नॉट फोल्डेड. तो जो भी प्रोटीन फोल्डेड नहीं होती, उसके बाहर की साइड आपको कम से कम 5 to 7 अमाइनो एसिड का पैच दिखेगा, तो वो जो आपके शैपरन प्रोटीन है, उसमें जो स्ट्राइप है, हाइड्रोफोबिक स्ट्राइप, वो जाके वहाँ पर बाइंड कर लेती है, क्लिप कर लेती है. क्लिप करने के लिए, क्योंकि ये एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो यहाँ पर एटीपी बाइंड करने की जगह भी प्रेजेंट होती है. और अंदर की तरफ एक बड़ी सी कैविटी होती है, लार्ज कैविटी. सो एक ऐसा समझिए कि एक बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर है, और उस बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी कैविटी है, और अंदर क्या हो रहा है, वी डू नॉट नो. सो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है. इस प्रोटीन में एक कैप होता है, एज यू कैन सी दिस ब्लू वन, ये एक कैप है. ये कैप, जिसको हम ग्रो ES बोलते हैं, शैपरनिन 10 एक लिड है, 7 यूनिट्स का बना हुआ होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये 7 यूनिट की बनी हुई आपकी क्या है, लिड है. ओके, ये लिड है, इस लिड को ऊपर रखना है. और नीचे क्या है, ये कैविटी लाइक ढोलक जैसा बैरल शेप स्ट्रक्चर है. ये क्या है, ये आपकी ग्रो EL है. दिस वाज ग्रो ES शैपरोनिन 10 एंड दिस इज ग्रो ES शैपरोनिन 60 सब यूनिट. 60 सब यूनिट में एपिकल, हिंज, इक्वेटोरियल, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. और ऐसे ऐसे 14 स्ट्रक्चर, 1, 2, 3 ऐसा करते करते टोटल 14 स्ट्रक्चर मिलके, एक ऊपर से अगर हम देखें तो ये खाली है, और अंदर की तरफ ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं. सो दिस विल बी 14 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर टोटल मिलके क्या बना देते हैं, एक ग्रो ES सब यूनिट बना देते हैं, जिसमें रिंग कॉन्टैक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऊपर से ऐसा दिखेगा और साइड से ऐसा दिखेगा. ऊपर ब्लू कलर का आपको लीड है, तो दिस वन इज ग्रो EL, दिस इज ग्रो ES, एंड दिस पोर्शन इज ग्रो EL. ओके, नाउ ये जो डिफरेंट टाइप की फैमिलीज हैं, जो बहुत तरह के प्रोटीन्स होती हैं, जैसे शैपरोनिन, प्रोकैरियोट में शैपरोनिन ग्रो EL और ग्रो ES होते हैं. ES इज द कैप एंड EL इज द बॉडी. यूकैरियोट्स के अंदर यही वाली जो शैपरोनिन है, दीज आर HSP60, TriC एंड CCT, इनके अलग अलग नेम्स हैं. HSP60 मतलब कि हिचॉक प्रोटीन 60. इनका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है शैपरोनिन का, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन विद इन केज स्ट्रक्चर. सो दिस इज द केज स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वो प्रोटीन बंद होगी और उसके अंदर ये प्रोटीन को फोल्ड करेगा. और कौन सी फैमिली होती है, थायोरिडॉक्सिन फैमिली. थायोरिडॉक्सिन TRX, DSBA टू DSBE, मतलब DSBA, DSBB, DSBC, DE ऐसा करके. इसके अलावा ग्लूटारिडॉक्सिन, ये सारी आपके प्रोकैरियोट में प्रोटीन होती हैं. थायोरिडॉक्सिन, ग्लूटारिडॉक्सिन, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज PDI, ये सब क्या करते हैं, ये प्रोटीन के थायोल डाइसल्फाइड को एक्सचेंज करने का काम करते हैं. थायोल डाइसल्फाइड का एक्सचेंज, जैसे कि SH ग्रुप, सो SH ग्रुप को एक्सचेंज करेंगे डाइसल्फाइड ग्रुप बनाने के लिए यूज होते हैं ये.
ये वाले प्रोटीन्स थायरोडॉक्सिन प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करेंगे। स्मॉल एचएसपी जैसे साइक्लोफिलिन एफकेबीएस एंड पारवुलेंस, इसके अलावा यहाँ पर भी सेम प्रोटीन्स है यूकेरियोट्स में भी, ये क्या करते हैं ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड के आइसोमेराइजेशन के लिए करते हैं। यानी कि हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोलीन जो होता है ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता बल्कि सिस पाया जाता है। तो होता क्या है, ये ट्रांस होता है, बनता ट्रांस ही है, लेकिन बाद में उसको फोल्डिंग के टाइम पे सिस में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोटीन्स है साइक्लोफिलिन्स एफकेबीज एंड पारवुलिन्स, ये प्रोटीन्स आपकी सिस प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं या सिस बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये आपके प्रोटीन हो गए आइसो प्रोपाइल आइसोमेरेज भी बोलेंगे आप इसको। इसके अलावा जीआरपी होते हैं, जीआरपी ई, दोनों में ही जीआरपी ई होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एटीपी एटीपी का एक्सचेंज फैक्टर है, यानी डीएनए के और डीएनए जे के साथ हेल्प करते हैं। व्हाट इज डीएनए के डीएनए जे, डीएनए के डीएनए जे इज एचएसपी 40 एंड एचएसपी 70। सो अभी हम उस पर आते हैं, एचएसपी 40 को ही हम डीएनए जे बोल रहे हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर आप इसे डीएनए जे सीबीपी ए एंड आरएससी जी बोलते हैं। यूकेरियोट के अंदर सेम प्रोटीन इज एचएसपी 40 एचडीजे 2 एंड एमटीजे 1। यहाँ पर ये क्या है, ये को चैप्रेनिन है, यानी कि चैप्रेनिन का भी सहायक, उसका भी असिस्टेंट है, जो कि एचएसपी 70 की एक्टिविटी को हेल्प करता है। एचएसपी 70 इसमें एग्जांपल आते हैं डीएनए के एचएससी 60 बीआईपी माइटोकॉन्ड्रियल एचएसपी 70 बहुत सारे हैं, ये सारे प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं। और यहाँ पर भी आपके एचएसपी 70 एचएससी 70 बहुत सारे होते हैं। इनका क्या काम है, प्रिवेंशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन चेन, यानी कि अनफोल्डेड प्रोटीन चेन कहीं एग्रीगेट ना हो जाए उसको रोकने का काम है एचएसपी 70 का। फिर आते हैं आपके एचएसपी 90, एग्जाम्पल प्रोकैरियोट में एसटीपी जी, यूकैरियोट में एचएसपी 90 एंड जीपी 96। काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ असेंबली ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन की रेगुलेशन करना। जैसे कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि रेगुलेट होती हैं, लाइक उनका जो एक्टिव साइट है वो अंदर के साइड होना चाहिए, जब उनमें फॉस्फोराइलेशन होगा तभी वो एक्टिवेट होंगे, लाइक दैट। उन सबको रेगुलेट करने के लिए एचएसपी 90 होते हैं। देन कमिंग टू एचएसपी 100, इसमें आपका सीएलपी ए बी सी एक्स वाई आते हैं। यहाँ पर आपका एचएसपी 100 है, यूकेरियोट्स के अंदर क्या काम करते हैं, ऑलिगोमर्स और एग्रीगेट्स को डिसअसेंबल करते हैं, तोड़ते हैं। एक और प्रोटीन होती है दैट इज नोन एज प्री फोल्डिंग नेसेंट चेन एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स, प्रोकैरियोट में इसे प्रीफोल्डिंग ही कहते हैं, शॉर्ट में इसे पीडी लिखते हैं। एंड यूकैरियोट के अंदर इसको नेसेंट चेन एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स यानी कि एनएसी कहते हैं। ये क्या करता है, ये नेसेंट चेन को जैसे ही राइबोसोम से बाहर निकलती है प्रोटीन उसको ये तुरंत बाइंड करने का काम करते हैं। तो चलो देखते हैं इनका फंक्शन, ये तो हमें कुछ प्रोटीन्स होंगी, आपको अगर कोई भी डाउट है आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, इस टेबल को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैक्टीरिया और यूकेरियोट के अंदर प्रोटीन फोल्डिंग कैसे हो रही है। ये आपका राइबोसोम होता है जिसमें एक 30A सब यूनिट और एक 50A सब यूनिट है, एमआरएनए जुड़ा हुआ है। और यहाँ से जैसे ही एक प्रोटीन निकली, ये ब्लैक कलर की प्रोटीन है आपकी नेटिव प्रोटीन, इस नेटिव प्रोटीन पर एक ट्रिगर फैक्टर जुड़ जाता है, ट्रिगर फैक्टर जो ट्रिगर करता है कि भाई अब आके आप इसमें फोल्डिंग करो। तो ट्रिगर फैक्टर क्या करेगा, फोल्डिंग करवाने में हेल्प करेगा। लगभग 70% प्रोटीन इस ट्रिगर फैक्टर से प्रोटीन फोल्ड हो जाती है, जो बचती है 30%, उस 30% का 20% आपके डीएनए के डीएनए जे हेल्प करते हैं और ग्रुप ई के साथ ये नेटिव प्रोटीन में हो जाती है कन्वर्ट, यानी ऑलमोस्ट 90% प्रोटीन फोल्ड हो चुकी है। इसके बाद जो प्रोटीन बचती है उसका ग्रुप ई और ऐड करके ग्रो ईएल ग्रो ईएस की हेल्प से नेटिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ प्रोटीन होती है जो सिग्नलिंग में हेल्प कर रही होती है, तो वो सिग्नलिंग वाली प्रोटीन एचटीपी जी के थ्रू नेटिव रेगुलेटेड फॉर्म में आ जाती है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, टोटल आपकी एंड तक आते आते 100% प्रोटीन फोल्ड हो जाती है। यूकेरियोट में ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, एनएसी आरएसी जैसे नेसेंट एसोसिएटेड जो आपका ये है नेसेंट चेन एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स या फिर राइबोसोम एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये नेसेंट चेन एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स है, ये तुरंत ही
जैसे ही आपको हाइड्रोफोबिक रीजन मिलता है, उस हाइड्रोफोबिक रीजन से बाइंड कर जाते हैं। वो राइबोसोम रीजन से बाइंड करने के बाद प्रोटीन, यहाँ पर आपका प्रीफोल्डिन प्रोटीन के थ्रू अलग से जा रही है, एक ट्राई सी प्रोटीन के थ्रू लास्ट में 10% हो रहे हैं। मैक्सिमम किधर जा रहे हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स जो आपने अभी पढ़े थे, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स एडीपी और एटीपी वाले, जीआरपी, ये जो आपके जीआरपी ई इधर भी काम करते हैं, जीआरपी ये रहे, यहाँ पर इन्हें हम न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर कर रहे हैं। सो इट इज बेसिकली जीआरपी ई ओनली। वो जीआरपी ई यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ HSP-70 एंड HSP-40 जो कि क्या थे, कोचेप्रिनिन थे, राइट, HSP-40 कोचेप्रिनिन थे, उनके साथ मिलके क्या करा रहे हैं, प्रोटीन को फोल्ड करा रहे हैं। यहाँ ट्राइसी काम कर रहा है, यहाँ पे कौन था, ग्रो ई एल ग्रो ई एस। सो सेम वे जो यहाँ पर आप एक पाथवे पढ़ चुके हैं तो उसके बस नेम रिप्लेस कर देने हैं, देन यू विल गेट द सेम थिंग। यहाँ पर आपका हॉप प्रोटीन काम करता है और फिर फाइनली आपका HSP-90 किसी सिग्नलिंग प्रोटीन से एक्टिवेट कर लेता है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये प्रोटीन फोल्डिंग का प्रोसेस समझ में आया है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।